मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का आई थिंक 9 बज रहा है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये देख सकते हैं, मैं मंडुए की रोटी बना रही हूँ। और मेरी मम्मी ने दिया था थोड़ा सा मंडुआ, तो बस उसी की रोटी बना रही हूँ। आजकल हम हमेशा मंडुए की रोटी बना रहे हैं, जब तक ख़त्म नहीं हुआ। और ऐसा है कि ठंडियों के लिए मंडुए की रोटी बेस्ट है ना। तो ये मंडुए की रोटी आप देख सकते हो, बिल्कुल प्योर मंडुए की नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि हनी फिर खाता ही नहीं। एक टुकड़ा हनी तो खाता है रोटी, फिर वो खाता ही नहीं है। देख सकते हो मैंने इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया हुआ है, और फिर ठीक लगता है, लेकिन पकने के बाद अभी दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल मंडुए की रोटी जैसे लग रही है, प्योर मंडुआ का आटा यही होता है। तुम थोड़ा सा डालो तो बिल्कुल ये देख, है ना, उतनी एकदम से वैसे नहीं लग रही, ना गेहूं की और ना मंडुए की जैसी। तो ये देख सकते हो, तो मार्केट में भी मिल जाता है। अगर आपको मंडुए की रोटी खानी है, अगर आपको खानी नहीं है, खाइएगा, क्योंकि मंडुआ इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, बहुत ही अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। और इसलिए आजकल तो इम्यूनिटी अच्छी खासी चाहिए, है ना, कोरोना टाइम चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें खाइए, घर की चीज़ें खाइए, ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह मत खाइए आजकल। और सुनने में आ रहा आजकल भी फिर केस बढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिए अपना। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता हो। तो चलिए फिर चाय चूई बनाती हूँ, उनको हो रही है लेट, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी मैं। दूध चाहिए? फिर से बोलो हेलो। हेलो कर दो सबको। फोन पे बिजी है हनी, और अभी टाइम हो गया, 11 बज चुका है, और हम दोनों देख रहे हैं टीवी। हनी देख रहा है फोन पे, ये देखो फोन लगा हुआ। 11 नहीं, 11:30 हो चुका है। सारे काम कर दिए हैं मैंने, झाड़ू पोछा जो जो होता है वो सारे काम कर दिए, बर्तन धुलना सब कुछ। और अब जैसे 11:30 बज चुका है, तो अब ऐसा हो रहा कि दाल रखनी थी, लेकिन हनी कह रहा है दूध, तो मैं हनी को दूध पिलाती हूँ। और उसके पापा सुबह नहाए थे, 2-4 कपड़े भी हैं। प्यार नहीं कर रहे हो मम्मा को? नहीं, तो स्किन ऐसी हो जा रही है ना ठंडियों में, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई यार आज तो, फिर मौसम पैक हो गया। अभी मैं यही शुक्रिया कर रही हूँ भगवान के, ठीक हुआ मैंने कल हनी को नहला दिया, कल खुद ना गई, क्योंकि कल धूप थी और आज बिल्कुल धूप नहीं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको मौसम के हाल दिखाऊंगी। और इसको देखो, मैंने सॉक्स वगैरह सब कुछ डबल सलवार पहनाए हैं, मतलब सलवार उसके अंदर इनर गारमेंट्स हैं, मतलब चुस्ती वगैरह है, इनर वगैरह। और टी शर्ट, ये गर्म है बाहर का, मैंने भी टोपी पहन दी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। और ठंडियों के लिए ये सबसे बेस्ट है ना, स्किन फ्रूट फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम विद जोजोबा एंड आमंड ऑयल्स, बहुत ही अच्छी लग रही मुझे ये। इसको लगाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ फेस पे लगाया होगा। मसाज क्रीम है, ठंडियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो मैंने वो भी लोशन लेके आई थी, लेकिन वो लोशन ना, हनी के पापा भी कह रहे थे जब मैं लोशन लगा रहा हूँ फेस पे, तो उसे उनको दाने हो रहे हैं फेस पे। और ये बहुत अच्छा है, मैंने हनी को भी लगाया है, और अपने लिए मैं परसों लेके आई थी इसको। पहले मेरे पास हमेशा पड़ी रहती थी, लेकिन मैं फिर भूल जाती थी इसको लेके आना। और परसों तो मैंने बिल्कुल लिस्ट बना के लेके गई थी, जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं सब चीज़ तो आपको दिखा नहीं पाई, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए थी वो लेके आई मैं। और 56 रुपये की ये छोटी डब्बी। और जो लोशन है वो पॉन्ड्स का है, ये भी बहुत अच्छा है, ट्रिपल विटामिन स्किन स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन, विटामिन B3E and C सब कुछ इसमें है, बट ये तब भी सूट नहीं कर रहा है। मैंने तो स्किन पे फेस पे नहीं लगाया, झूठ क्या बोलना। और ये बस ये मैं हनी पे लगाती हूँ, और आज मैंने हनी पे ये वाला लगाया है। हाँ मम्मी, चाया तैयार काय के लिए? दूदू दूदू के लिए? पहले हाय बोल दो, प्यार कर दो, प्यार कर दो। मौसी कैसे हो, ऐसे पूछो पूछो पूछो, नहीं जैसे कैमरा खुला हो वैसे। हनी ने कहा हेलो, इतना ही बोला काफी है ना। तो चलिए मैं थोड़ी देर इसको दूध पिलाती हूँ, उसके बाद आपको मौसम के हाल दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है हनी। तो ये देख सकते हो आप मौसम के हाल, बिल्कुल भी धूप नहीं है, देखो बादल लगे हुए हैं, और लेकिन ठंड नहीं है इस मौसम में। एक चीज़
है, मौसम बदला तो है लेकिन ठंड नहीं है मौसम में, है ना हनी? जी देखो हनी बड़ा परेशान कर रहा है, मैं इधर वाली छत पर आई हूँ, ये देख सकते हो सामने हमारा रूम, ऊपर नहीं गई हूँ मैं, यहीं पे आई हूँ थोड़ी देर, मैंने कहा इसको दिखाती हूँ बाहर, और ये मेरे से जिद कर रहा कि ऊपर वाली छत में चल, मैंने कहा नहीं। तो अब देखो मौसम, ये देखो इसका ना 24 घंटे बस रोने का काम है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बस 24 घंटे रोता रहता। कहाँ कहाँ यहाँ नीचे देखो वो गाड़ी किसकी है, किसकी है वो नीचे टिटिट? उसका मुंह आप लोगों को नहीं दिख रहा आजकल की, ऐसी बना रहता है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, परेशान कर दे रहा है, मतलब इंसान फिजिकली से ज़्यादा मेंटली थक जाता है बच्चों के साथ ना, जिग 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 करना, और इतनी ठंड है बाहर इसलिए मैं इसको भा लेके नहीं आ रही हूँ, और छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए ना बाहर छोड़ सकती हूँ और ना बाहर लेके आ सकती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, और कल परसों हल्की बारिश हुई थी, कल धूप थी, आज मौसम फिर चेंज हो गया। तो देखो हम छत में घूम रहे थोड़ी देर, बच्चे को एक हाथ में, बड़ा हो गया ना, एक हाथ में पकड़ना बड़ा टफ है। ये देखो ताई जा रहा, ताई के साथ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने अभी रखी हुई है खिचड़ी, क्योंकि दो तीन दिन से हम लगातार घर की दाल खा रहे हैं, और आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर दूँ, हमेशा दाल खाने का मन नहीं कर रहा है, अरहर की दाल रहती तो उसको बनाती लेकिन वो है नहीं, सारी घर की दालें हैं अलग अलग टाइप की, तो वो आजकल लगातार हम दाल ही बना रहे थे, तो बस आज मैंने कहा छोड़ो आज थोड़ा सा अलग करते हैं, अलग खाते हैं मतलब। और ये मैं बना रही हूँ, देखो दिखने लगा आपको, ये मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि यार किसी को अगर ऐसी कोई चीज़ हुई हो स्किन से रिलेटेड है, मेरे को ना जब ठंड हो जाती है या फिर मौसम चेंज हो जाता है तो मेरी बॉडी में ना खुजली सी होती है, जब मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ या फिर ठंडा हो जाता थोड़ा सा भी तो इचिंग होती है, और ऐसे छोटे 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 से दाने हो जाते हैं, एकदम से होते हैं, और थोड़ी सी खुजली होती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है, और इतनी ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है पूरी बॉडी में, पागल सी हो जाती हूँ मैं सच में। उसके लिए मैंने दवाई ली है एलर्जी की, और एलर्जी के मैंने बहुत पहले भी मेरे को ये होता था ऐसी प्रॉब्लम, तो मैं उसके इंजेक्शन लगाती थी एलर्जी की, और फिर से मुझे वही प्रॉब्लम होने लग गई है। तो कल तो हनी के पापा दवाई लेके आए, तो दवाई से ठीक है आज, अदरवाइज मतलब दिन के टाइम पे ऐसा है थोड़ा बहुत होता है तो इंसान इधर उधर काम करने में बिजी हो जाता तो इग्नोर हो जाती है बातें, लेकिन रात के टाइम पे शांति से जब इंसान सोता है तो वाय गॉड, अगर एक जगह पे स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे स्टार्ट होगी तो यहाँ पे मैं खुजली करूँगी थोड़ी देर में पूरी बॉडी में, और छोटे 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 ऐसे दाने हो जाएंगे ना बिल्कुल, जैसे कैसे समझाऊँ यार मैं, और फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर से साफ गायब हो जाते हैं, तो ऐसी क्या करूं यार मैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान। एक बार मैंने स्किन वाली डॉक्टर के पास भी दिखाया था गोपेश्वर में, दो तीन मंथ मैंने उसका कोर्स किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी भी मुझे वैसे ही होता है। तो गढ़वाल में गाँव में कहते हैं कि शीत और कहते हैं ठंडा और गर्म हो जाता है इस वजह से होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्या कह रहा है हनी? हनी डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर साहब। और एक चीज और कह रही थी मैं हनी, पता आप लोगों को, या तो बेलन लेके या फिर पैन पून जो उसके हाथ पे आ रहा उसको लेके आ रहा, कह रहा मम्मी स्टॉप, और हनी गोली, मतलब कहने का मतलब वो ऐसा कह रहा कि मम्मी स्टॉप हो जाओ और हैंड्स अप, कह रहा कि हैंड ऊपर करो और हनी गोली मारेगा, तो ऐसी ऐसी चीजें कर रही है, मतलब मुझे शॉकिंग सा लग रहा है। कल इसने अचानक से अपने पापा को कहा पापा स्टॉप, हैंड्स अप, अभी भी कह रहा हूँ, और हनी गोली, बस इतना कह रहा, गोली मारूंगा नहीं कह रहा, गोली हनी गोली, क्या कह रहा हनी फिर से बोलो मम्मी को स्टॉप, बोलो तो सही, नहीं बोला, चोट है कहाँ पे, ओ चेक करो चेक करो, ये देखो ओके ओके जब कहीं पे लग रही है उस कहाँ पे लगी चेक करो कैसा है, अच्छा अच्छा है ओके ओके
देखा आपने जैसे मेरे कहीं पे लग जाती है तो मैं कहती हूँ हनी चोट, या फिर उसको लगता है कि मम्मी पे लग गया तो कहता है मम्मी, तो मैं बोलती हूँ चेक करो, हनी कहता है चेक करके ओके ओके तो आने की मस्ती चलती रहेगी। साथ साथ मेरी चाय बन चुकी है, लेकिन इसमें अदरक नहीं डाला है, तो अदरक के लिए मुझे हाथ चाहिए दोनों। तो ऐसा करती हूँ, चाय बन चुकी है ऑलमोस्ट, अदरक डालती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है? तो ये देखो अभी शाम का हो गया है 6:30 और हनी अभी सोया है। हनी ने आज दिन का खाना भी नहीं खाया और सुबह तो वो नाश्ता करता ही नहीं है, कल दिन में भी उसने कुछ नहीं खाया और आज भी ये देखो बिना खाए सोया हुआ है। और मुझे लग रहा उठ जाता तो ठीक था, फिर थोड़ा बहुत खिलाती, वैसे खाने वाला तो है नहीं। और मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ, हो सकता आपको धीरे आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये उठेगा तो फिर नींद टूट जाती है तो परेशान करते हैं बच्चे। और बाहर मौसम बिल्कुल इतना ठंडा हो गया है, हवा चल रही है, तो मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद कर दिया है। तो अभी मैं उसके साथ लेटी हुई हूँ, देखो कंबल लेके, रजाई लेके, कंबल नहीं रजाई लेके, और अभी तक हनी के पापा आए नहीं और अंधेरा भी होने लग गया हल्का हल्का। आप लोगों को पता ही होगा 6:30 बजे के बाद तो अंधेरा होने लग जाता है, वो भी आजकल छोटे दिन हैं। और आज आई थिंक छोटी दीपावली थी, मुझे तो सुबह तक पता नहीं था, नहीं तो मैं कुछ बना लेती, लेकिन ये भी जल्दी चले गए थे ऑफिस तो उसके लिए कुछ बनाती। और बस हनी का इंतज़ार कर रही हूँ उठ जाए। जब तक ये कुछ खाता नहीं है तो मेरे को अजीब सा होता है और मेरे को नींद भी नहीं आती है दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन छोटे हो गए, ठंडियों का टाइम है, बस फ़ोन पे ही लगी रहती है, मन ही नहीं करता सोने का। और ये देखो बिल्कुल घोड़े बेच के सोया हुआ है। तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ, हो सकता है ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर, बाय बाय।